आज से मैंने कुछ दिन पहले ही क्या मैंने कुछ समय पहले जिम से स्टार्ट किया था। आई थिंक मुझे हो चुके हैं 2.5 साल के समथिंग हो चुके हैं, और मैंने अपनी प्रॉपरली जिम नहीं कर पाया हूँ, प्रॉपर एकदम नहीं फोकस कर पाया हूँ जिम के ऊपर। लेकिन हाँ, मैंने जितना भी फोकस किया हूँ अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ इस चीज़ में। और बाकी की मैंने इसमें अगर अपना टाइम दिया हूँ तो मुझे इसके रिजल्ट भी मिले हैं मेरे बॉडी के अंदर, एंड डेवलप हुए हैं मेरे कुछ पार्ट्स, एंड इंक्रीज हुए हैं वही सेम। और अगर आप भी अगर जिम करते हो तो यार, वक्त तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वक्त तो आपको उसमें देना पड़ेगा। और बॉडी कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, और ना ही कोई ये महीने के अंदर उभर के आ सकती है। इसमें आपको सालों साल आपको देने पड़ेंगे, अपना टाइम देना पड़ेगा। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक तो ये जस्ट नॉर्मल ही है। अगर अदरवाइज तुम अपनी अगर डाइट पे फॉलो नहीं करते हो, अगर अपना माइंड सेट प्रॉपरली सेट करके नहीं रखते हो एंड रेगुलरली, तो अपने इसमें डाइट का मेन रोल रहता है। अगर तुम अपनी डाइट एक प्रॉपर तरीके से लोगे और सही तरीके से उस चीज़ के ऊपर तुम वर्क फोकस करोगे तो डेफिनेटली तुम ग्रो कर सकते हो इस चीज़ में। और बाकी की आज इतना क्रेज़ हो गया इस चीज़ का बॉडी से रिलेटिव फिटनेस से, बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक नया एक यूनिक चाहिए होता है अपने बॉडी, यानी यूनिक मतलब मैं बहुत अच्छा दिखना चाहिए। और बहुत से लोगों का गोल ये रहता है, फिटनेस से रिलेटिव गोल रहते हैं, जैसे कि उन्हें कॉम्पिटिशन खेलने रहते हैं। अभी मिस्टर डेली हुआ था और मैन फिजिक्स हुआ था अभी, और भी कंपटीशन होते रहते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना एंड वहाँ के स्टेज पे चढ़ना और वहाँ का जो मूवमेंट रहता है और वो उस चीज़ को फील करना कि तुम अगर तुम उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम एक दिन ज़रूर वो कर सकोगे। अगर तुम एज अ टाइम पास कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम जिम लगा रहे हो, छोड़ रहे हो, कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और मेन बात तो तुम्हारा माइंड इस चीज़ में, माइंड भी बहुत इम्पोर्टेंट और माइंड भी बहुत रोल निभाता है कि अगर तुम्हारा माइंड सेट अगर प्रॉपरली नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर सकते ये चीज़ें। और लोगों को लगता है कि ये चीज़ें कुछ महीनों के अंदर ही हम बना सकते हैं, ये चीज़ें इस बंदे ने स्टेरॉइड लिया है, इस बंदे ने ये लिया है, इस बंदे ने वो लिया है, तो ऐसा कोई सीन नहीं रहता। लेने वाले लेते हैं, लेकिन स्टेरॉइड लेने वाले की बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप का चेंजेस रहता है, डिफरेंट टाइप का चेंजेस रहता है उनके बॉडी में। और भी और बाकी की अगर आप लोग को मेरी फिजिक्स कैसी पसंद आती पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी के हम वीडियो रेगुलरली पोस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा वीडियो हफ्ते में एक वीडियो अवेलेबल मैं पोस्ट कर देता हूँ, क्यों ठीक है। और हाँ,